जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, इस खबर से आप हैरान भी होंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे, क्या पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सोए हुए बिल छापता है या रात के अंधेरे में बिल छापता है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम तो है पावर के बिल सप्लाई करना, लेकिन लगता है रात के अंधेरे में वो बिल बांटने में लगे हैं और बिल छापने में लगे हैं। तो पूरी खबर है बड़गाम से, जिसे सुनने के बाद में आप हैरान भी होंगे और आप अचंभा यानी आश्चर्यचकित होंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। जहां पर बात करते हैं बड़गाम की, बड़गाम के रावलपुरा एरिया खानसाब बड़गाम की बात आपको बता रही हूं मैं, जहां पर एक व्यक्ति के नाम पर 2 लाख का बिल आता है, बल्कि वो व्यक्ति आज से 12 साल पहले यानी 2010 में इस दुनिया से जा चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि उनके घर पर टोटल 3 बार बिल जाता है, और आपको ये बता दें कि 2 बिल है उस व्यक्ति के नाम पर आते हैं जो मर चुके हैं। और बीच में आपको ये भी बताएं कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मरे हुए व्यक्ति के नाम से कनेक्शन काट के उनके बेटे के नाम पर भेजा था बिल, लेकिन उसके बाद में फिर से उस मरे हुए व्यक्ति के नाम पर बिल आना, तो ये ऐसे में क्या दर्शाता है? क्या पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रात के अंधेरे में काम करता है? क्या वो सोया रहता है या वो जागता नहीं है? और पूरी खबर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, उसी तरह से आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो रावलपुरा एरिया है खानसा बड़गाम का, वहां पर बिजली का बिल यानी 2 लाख रुपए का आता है, और आता किसके नाम पर है? वो व्यक्ति जो 2010 में यानी जिसे मरे हुए आज 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उसके नाम पर 2 लाख रुपए का बिल आता है, और वो बिल रिसीव कौन करता है? खुर्शीद अहमद मीर, जो उसका बेटा है मोहम्मद सुल्तान मीर, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीच में जो कनेक्शन है वो उसके बेटे के नाम पर, यानी जब वालिद मर गया तो बिजली का कनेक्शन उसके बेटे के नाम पर हो गया, और इसी समय आपको बता दें कि फिर से कनेक्शन के बाद में जो है उसके नाम पर बिल आना, बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति के नाम पर भी बिल आ सकता है, लेकिन बिल तब तक नहीं तब तक आ सकता है जब तक उस कनेक्शन को चेंज ना करवाया हो। जबकि उनका बेटा जो है खुर्शीद अहमद मीर खुद कह रहा है कि इस बिल के कनेक्शन का नाम चेंज करवाया जा चुका है, इसका कनेक्शन में जो है बता चुके हैं कि हमारे वालिद जो है अब इस दुनिया में नहीं है, आपको बिल मेरे नाम पर भेजना है। फिर भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उस मरे हुए व्यक्ति के नाम पर एक नहीं बल्कि 2-2 बिल उनके घर पर भेजता है। खुर्शीद अहमद मीर है जो पूरी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जब उनके वालिद मर गए, उन्होंने कनेक्शन चेंज करवाया, और मोहम्मद सुल्तान मीर जब मर गए थे तो उस बिजली का कनेक्शन नाम चेंज होकर खुर्शीद अहमद मीर के नाम पर आया, लेकिन फिर से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 3 बिल भेजे, जिनमें से 2 बिल उसी के बाप के नाम पर आए, यानी वो इस दुनिया में नहीं थे। पहला बिल 2 लाख का, दूसरा 60,000 का। और आपको बता दें कि उनके वालिद को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं, 2010 में उनका इंतकाल हुआ था, और इसी बीच बेटा भी अपने नाम का एक बिल रिसीव करता है, जिसकी कीमत यानी बिल है 25,000 रुपए का, जो उनके बेटे के नाम पर आता है। मरे हुए व्यक्ति के नाम पर 2 लाख और 60,000 का बिल आता है, और इसी बीच उनके बेटे के नाम पर 25,000 का बिल आता है। और उनके यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं खुर्शीद अहमद मीर, जो उनके बेटे हैं मोहम्मद सुल्तान मीर, जो इस दुनिया में नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत हायर अथॉरिटीज को अप्रोच किया पर मेरी किसी ने नहीं सुनी, मैं ग्रीवियंस सेल गया, मैंने बहुत बार अपनी जो है दरख्वास्त वहां पर जाहिर की पर मेरी किसी ने भी नहीं सुनी और इस बात को ध्यान नहीं दिया। और अब उन्होंने आधा अमाउंट, जहां पर 25,000 रुपए की बात हो रही है, उन्होंने आधा अमाउंट भरा भी है। वो कह रहे हैं कि मैं ये बिल कहां से भरूं जिसे मैंने एंजॉय ही नहीं किया, जिसकी बिजली मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। और अब इसके लिए वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जिसने उनके घर पर बिल भेजा है 12 साल के बाद में। यानी बिजली डिपार्टमेंट की एक और नाकामयाबी सामने आई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कब्रिस्तान के नाम पर बिजली डिपार्टमेंट बिल भेजता है, और आज मरे हुए व्यक्ति के नाम पर बिल भेजा जाता है कि जो 12 साल पहले इस दुनिया से चले गए, 2010 में जिनकी वफात हुई है, और 2 लाख से 60,000 का बिल कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अब उनका ये कहना है कि वही व्यक्ति बिल भरे जिसने ये बिल निकाला है। आपकी क्या राय है, आप जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटिन। आशिया खान का तलाब।